की रफ्तार में कमी लाने के लिए बुंडू अनुमंडल के शहरी क्षेत्र में पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला और बुंडू के वार्ड क्षेत्रों के गली मोहल्लों में लोगों को सतर्कता बरतने की अपील की। साथ ही बगैर मास्क के सड़क पर निकलने वालों को कड़ी चेतावनी भी दी। सड़क किनारे मार्केट लगाने वालों को भी पुलिस ने दुकान बंद करने का निर्देश दिया तथा दुकानों और बाजारों में भीड़ भाड़ न करने और सामाजिक दूरी का पालन करने की हिदायत दी। सड़कों पर बेवजह घूमने फिरने और भीड़ लगाने वालों को भी कई निर्देश दिए। आम नागरिकों से मास्क की अनिवार्यता समेत कोरोना के सरकारी गाइडलाइंस का पालन करने की अपील बुंडू पुलिस प्रशासन ने किया। कोरोना की रफ्तार में कमी लाने के लिए बुंडू अनुमंडल के शहरी क्षेत्र में पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला और बुंडू के वार्ड क्षेत्रों के गली मोहल्लों में लोगों को सतर्कता बरतने की अपील की। साथ ही बगैर मास्क के सड़क पर निकलने वालों को कड़ी चेतावनी भी दी। सड़क किनारे मार्केट लगाने वालों को भी पुलिस ने दुकान बंद करने का निर्देश दिया तथा दुकानों और बाजारों में भीड़ भाड़ न करने और सामाजिक दूरी का पालन करने की हिदायत दी। सड़कों पर बेवजह घूमने फिरने और भीड़ लगाने वालों को भी कई निर्देश दिए। आम नागरिकों से मास्क की अनिवार्यता समेत कोरोना के सरकारी गाइडलाइंस का पालन करने की अपील बुंडू पुलिस प्रशासन ने किया। आदेश पारित किया गया है उसी का अनुपालन के लिए, ताकि जो दुकानें हैं वो जो आवश्यक वस्तु की दुकानें हैं, मेडिकल स्टोर हैं, पशु आहार हैं, पेट्रोल पंप है, इस तरह की जो सरकार के द्वारा पारित आदेश किया गया है उसी का अनुपालन कराने के लिए हम लोग फ्लैग मार्च कर रहे हैं। वजह भीड़ भाड़ को भी हटाया जा रहा है, लोगों को मास्क के लिए भी सबको अवेयर किया जा रहा है ताकि लोग मास्क पहने, बेवजह बाजार में घूमें नहीं। एवरी वेलकम, यू've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi. दो गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? हाँ? नहीं सुना, आइए समझाते हैं। देखिए, दो गड्ढा बनाइए, पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना तो ये चालू हो जाएगा और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ, क्या समझे? शौचालय दो गड्ढों वाला ही बनवा।